अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बच चुके तकरीबन 12 और गर्मी भी काफी ज्यादा है। तो मैं अभी जो गाड़ी है हमारी काफी ज्यादा जो गंदी हो गई है, मिट्टी में अटी पड़ी है, जो हो गई मिट्टी काफी ज्यादा पड़ी हुई है इसके ऊपर। तो गेट वगैरह मैंने खोल लिया, बाइक निकाल ली, तो पाइप वगैरह लगा लिया। अभी गाड़ी को निकालते हैं बाहर वहां स्लो तक, तो गाड़ी को धोते हैं अभी। गाड़ी जो है वो निकल चुकी है बाहर, तो अभी इसे हल्का हल्का पानी पहले वैसे लगाते हैं, बाद में शैम्पू के साथ लगाएंगे। तो गाइस अभी गाड़ी को सिंपली कपड़ा मारा है पानी के साथ, तो काफी हद तक साफ होगी। अभी जो है शैम्पू वाला पानी है वो अभी ये बाल्टी में जो पानी भर लेते हैं, तो बाद में ये शैम्पू जो है वो डाल देंगे इसके अंदर, तो फिर गाड़ी को साफ कर। बाल्टी जो है पानी से भर गई है, तो अभी ये शैम्पू थोड़ा सा डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा ना हो जाए, जाग बना लेते हैं इसके साथ। तो ये जाग भर गई है, तो अब गाड़ी को साफ कर। हाँ जी गाइस, तो गाड़ी जो है मैंने धो के खड़ी कर दी है कपड़ा डाल के। तो अभी जुमे का टाइम हो रहा है, तो मैं जब जुमे की करता हूँ तैयारी, नहाता हूँ। वैसे मैंने पानी के साथ रहते भी नहा लिया था, गर्मी काफी ज्यादा लग रही थी, तो अभी नहाते हैं। तो आप देखें इसके सिनेमैटिक, उसी में मैं नहा लूँ। तो गाइस ना आके मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, तो उम्मीद है कि आपको जो स्क्रीनशॉट है वो भी पसंद आए। स्क्रीनशॉट क्या दिया, सिनेमैटिक शॉट्स, तो वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो अभी हो रहा है जुम्मे का टाइम, तो चलते हैं जुमा पढ़ के आते हैं। तो गाइस जुमा पढ़ के आ गया, तो जुमे के लिए मैंने कपड़े वगैरह तो वैसे इसलिए किए नहीं थे, टाइम मेरे पास बहुत कम था, तो मैंने ऐसे पहन लिए थे। तो अभी थोड़े से ना वो है बल वगैरह कपड़ों में, चलो कोई नहीं, खैर है। तो अभी जो मेरा दिल कर रहा है रोज का पीने का, क्योंकि बाहर जो गर्मी है तो काफी ज्यादा है। तो अभी थोड़ा सा एक गिलास जो मैं अपने लिए रोज का बना के वो पीता हूँ, और खाने का भी टाइम हो चुका है, तो खाना भी खाते हैं। खाना जैसा कि गर्मी आ गई है, तो मैंने आपको दिखाया था कि हमारे आम के जो दरख्त है वो है, तो वहां पे जो आम है वो तकरीबन पक चुके हैं, पक तो नहीं गए लेकिन पकने वाले हैं, कच्चे कच्चे अभी बड़े बड़े हो गए। तो वो आम थोड़े से ताया वो कल परसों लेके आए थे, तो उनका हमने बनाया छिछा। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा छिछा होता क्या, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि छिछा क्या होता है। और साथ बने हैं करेले, और वो भी आपको दिखाऊंगा, तो बड़े मजेदार बने। तो अभी पहले मैं जो है रूह अफ़ज़ा बना के वो पी लूं। अभी जो है मैंने रूह अफ़ज़ा डालिया, सिर्फ रूह अफ़ज़ा डाला है और चीनी वगैरह मैंने नहीं डाली। पानी गिर गया। पानी डाल लेते हैं अभी थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा नीचे गिर गया, कोई नहीं, खैर है, अभी वो ना गिर जाए। बस ठीक है, तो अभी थोड़ी सी चमची हिला के इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर पी लेते हैं। अभी जो है पी लेते हैं, मजेदार। तो गए जो होता है छिछा, तो मैं थोड़ा सा जो है अभी कटोरी में उठा के लेके आ गया, तो क्योंकि वहां पे जो खाना रखा है वहां पे पंखा चल रहा है, तो मैं फिर कटोरी में लेके आ गया। तो ये जी बनता कैसे, ये जी इस तरह समझ लिया आप इसको, तो ये जैसे इमली का नहीं होता खट्टा, उस किस्म का ये चीज होती है। ये आम होते हैं कच्चे, तो वो छोटे थे जो आम होते हैं उन्हें पहले पानी में उबाल लेते हैं, पानी में उबाल के फिर उसी पानी में उनका जो होता था गुद्दा वगैरह जितना भी वो सारा निकाल के, गिड़क वगैरह जो भी होती है वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं, छिड़के वगैरह, बाकी सारी गुद्दा जो है पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं, और फिर नमक मिर्च वगैरह लगा के तो उसमें डाल के मिक्स करके, तो ये इस तरह का बन जाता है। तो बड़ा मजेदार होता है, खट्टा खट्टा था। तो अगर आपने कभी नहीं पिया तो बाजार से आम लें और बनाएं और पिए। अभी जो है खाना खाने लगे, तो थोड़े से जो करेले हैं वो
इस तरह साग लगा लें और थोड़ा सा करेले लगाने हैं, फिर थोड़ा सा ये लगाना है तो खाना है तो बहुत ज्यादा मजा आता है। तो गाइस अभी हमारा प्रोग्राम बन गया है गांव जाने का, तो अभी 4 बज चुके हैं। तो बाहर जो है काफी ज्यादा धूप है, लेकिन अभी थोड़ी सी कम हो गई है, पहले तो काफी ज्यादा तेज थी। मैं और मतलब जाने लगे हैं फैमिली के साथ, तो चाचू के घर जाना है। तो पहले जो है बाइक का पेट्रोल है वो मैं डलवा दूँ, तो फिर चलते हैं। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए, तो अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो ये चेक करें जी, मोटरसाइकिल जो मेरा खुद ब खुद भी चली जा रहा है, ना मैंने स्पीड दी हुई है और ना मैंने जो है यहाँ से पकड़ा है या ना यहाँ से पकड़ा, और मोटरसाइकिल खुद ब खुद चली जा रहा है। तो काफ़ी जो है आगे तक आ गया, और मोटरसाइकिल चल भी कितनी स्पीड पे रहा है, 10 की स्पीड पे चली जा रहा है। अभी पहले पेट्रोल डलवा लो जा। तो गाइस पेट्रोल जो है वो डलवा लिया है, तो धूप जो है काफ़ी ज़्यादा तेज है, तो अभी सूरज जो है मेरे पीछे है, तो अगर सूरज की तरफ मुँह करो ना तो देखा नहीं जाता, आँखें नहीं खुलती। तो अभी घर चलते हैं, फैमिली को लेते हैं। जी पहुंच गए हैं जी हम अपने गांव, तो अभी चलते हैं चाचू के घर। तो गाइस अभी तकरीबन मगरब का टाइम हो चुका है, तो अभी हम जाने लगे हैं वापस, और बाइक जो लॉक वगैरह खोले, तो जो आप देख सकते हैं सूरज वगैरह डूब गया, और ये ट्रैक्टर ट्राली जो है वो भी जा रही है, तो अभी हम भी जाने लगे हैं वापस समुद्री। तो गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं, तो हवा जो है काफी ज्यादा ठंडी हो गई है, तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है वापस जाने का। हाँ जी गाइस, तो गांव से वापस आ गए, तो अभी मेरा एक और प्रोग्राम है, तो वो है नवीब भाई के साथ। नवीब भाई का एक फ्रेंड है जिसने कहा है कि भाई अपने कजन से कहो कि बाइक लेके आए, उसने बाइक की राइड करनी है और कोई फोटोज वगैरह खिंचवानी है बाइक के साथ। तो नवीब भाई ने मुझे कहा, तो हमने प्रोग्राम डन किया था अभी मगरब के बाद का, पहले तो असर के बाद का था, तो हम गांव चले गए, तो अभी मगरब के बाद का था, तो अभी हम घर आए हैं। तो अभी मैं नवीब भाई को जो मैसेज करता हूँ वो पूछते हैं कि क्या प्रोग्राम है, तो फिर चलते हैं वहाँ पे। तो अभी मैं नवीब भाई को जो है वो मैसेज कर लूँ। तो कहता था अभी मैंने नवीब भाई को जो है मैसेज किए थे, तो पहले तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, अभी उनका जवाब आया, तो वो किसी दोस्त के साथ भाई चले गए। तो वो कह रहे थे कि वो दोस्त का फ्रेंड का फोन आया था, लेकिन प्रोग्राम जो है वो कल चला गया, तो इंशाल्लाह फिर कल जो है वो उसके दोस्त को जो है बाइक पे राइड करवाएंगे। तो अभी फिलहाल जो है 9 बज गए हैं, और मैं यहाँ पे बैठा जो है व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, तो अभी खाना भी खाना है, और थोड़ी देर में मौसम की कॉल आ जाएगी, तो फिर चाय पीने भी चलेंगे। तो अभी जो है फिलहाल मैं जाके खाना खुना खा लूँ, तो व्लॉग भी एडिट होता रहेगा, खाना खा लूँ, फिर इंशाल्लाह चलेंगे चाय पीने। तो गाइस अभी तकरीबन 10:30-11 हो चुके हैं, तो हम आ गए थे अली भाई की दुकान पे, मलक मौसम की कॉल आई थी, तो उस वक्त मैं खाना खाने लगा था, तो दोबारा उसकी कॉल आई नहीं, अली के घर मेहमान है। तो अभी यहाँ पे हम जो अपना देख रहे हैं ट्यूबवेल वाला व्लॉग यहाँ पे लगा के, तो अली भाई कैसा लगा आज को? अली भाई गए नहीं थे, अली भाई ने काफी ज्यादा मिस किया है, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे अली को भी साथ लेके जाएंगे। हाँ जी गाइस, तो अभी मैं आ गया वापस अपने रूम में, तो जो मेरा व्लॉग है वो तकरीबन सारा एडिट हो चुका है। तो ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।